सरकार से जो रीट और एसआई भर्ती परीक्षा में जो धांधली का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको लेके तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद है। किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, और अब ये बताने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूँ कि रीट परीक्षा को लेकर इनकी क्या मांगे हैं। इनसे इतर जो मौजूदा वक्त में राजनीति चल रही है मैं उस पर बात करूँगा। किरोड़ी लाल जी, दो दिनों से आप यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं आप, एक भी नेता सिर्फ प्रताप सिंह सिंघवी के अलावा एक भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा, क्या वजह रही? और यदि इस तरीके से हालात जो सामान्य तौर पर दिख रहे हैं ऐसे में सरकार कैसे आपकी बात करेगी? तो ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मैं बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कहने से अब नेता संगठन को यहाँ जाते हैं, ये पार्टी निर्णय करे कब होगा। ये तो अचानक एक घटना हो गई थी, कुछ बच्चों को यहाँ से दौड़ा किया था, अचानक आ गया तो मैं लौटा देने धंधे पर बैठ गया। तो पार्टी करने से तो पार्टी कहाँ से करे। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा पुजारी का शव लेके आ जाते हैं लाइन में, तब वहाँ पर अशोक लाहोटी आ जाते हैं, अरुण चतुर्वेदी आ जाते हैं, तमाम नेता आ जाते हैं, लेकिन आप दो दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम कुछ नेताओं को तो आना चाहिए। मुझे लगता है आप बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं तो यहाँ पर बेबाकी से आग्रह करने की कहाँ पे डॉक्टर साहब जरूरत पड़ती है? दो दिनों से आप यहाँ पे बैठे हैं, रीट भर्ती को लोग लेके सोशल मीडिया से लेके सड़कों तक संग्राम मचा हुआ है, तो क्या ये आपका कोई व्यक्तिगत मसला है या फिर छात्रों से जुड़ा मसला है तो उन्हें खुद आगे आ जाना चाहिए? व्यक्तिगत मसला तो नहीं, तो फिर उन्हें खुद आगे आना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया में हर नेता यूज करता, प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता तक हो रही है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है भाजपा कार्यालय, तो सिर्फ यहाँ पे आने पे क्या दिक्कत है? क्या उनको आपसे खतरा है? तो फिर क्या दिक्कत है? तो साथ में आके क्यों नहीं था? आपको पता है आम आदमी की ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि जो धरना प्रदर्शन प्रकोष्ठ है उसकी जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा को दे दी गई है, बाकी नेता ट्विटर से मोर्चा संभालेंगे? जिम्मेदारी मतलब ऐसे मुद्दे हैं तो क्योंकि मैंने इनको बेरोजगारों ने मेरे को फोन किया, मेरी जिम्मेदारी बनती थी जिनको समय के वापस किरोड़ी लाल जी। लेकिन मैं जितने पिछले दो दिनों से जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपकी और बीजेपी के बीच में जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे नज़र नहीं आ रहा है, क्या इसके पीछे कारण मानते हैं और क्या लगता है कि इस तरीके से चीज़ें कितने दिन तक चल पाएंगी? तो ये नौबत क्यों आ रही? सवाल ये है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के रोजगारों से जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपको क्या वहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ेगी नेताओं को बुलाने के लिए? मिन्नत तो मेरी कोई बात नहीं, मैं अपील कर रही हूँ। किरोड़ी लाल जी, मैं जहाँ तक मैं जितना मैं आपको जानता हूँ, आपकी सियासत की तासीर रही है प्रत्यक्ष रूप से बात करने की, खुल के बात करने की, लेकिन मुझे लग रहा है आप प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर रहे। क्या मना किया गया है इस मुद्दे पर बोलने से? आप खुलकर आप मना किया होता तो मैं धरने पे नहीं बैठता, तो फिर खुलकर बोलिए। पार्टी मना क्यों करेंगे? तो पार्टी के नेता भी तो आपके साथ नहीं है, पार्टी के नेता भी तो आपके साथ नहीं है।